भाई सबसे पहले हम चलते हैं पोज की तरफ। तो मैंने कुछ इस टाइप का पोज किया था जोकर डांस के ऊपर, जो जोकर का डांस है उस टाइप का मैंने कुछ पोज किया था। सो सबसे पहले आपको इस टाइप की फोटो क्लिक कर लेनी है, उसके बाद हम इस फोटो ले चलेंगे ऑटोडेस्क में। मैं इस फोटो का ट्यूटोरियल पिक्सआर्ट में भी बना सकता था, लेकिन यार आप पिक्सआर्ट छोड़ दो, अगर आपको प्रोफेशनल एडिटिंग करनी तो यू शुड हैव टू लीव पिक्सआर्ट। सो सबसे पहले हम इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, एक नहीं दो बनाएंगे, और यहाँ से हम चलेंगे जोकर की फोटो इंपोर्ट करेंगे। जोकर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से सारे स्टॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं जो भी स्टॉक्स इन पेंजी यूज़ करूँगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम जोकर की फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये रहा। तो ये हमारा रेफरेंस है, तुम्हें ऐसे कुछ करना है अपने कपड़ों को। तो सबसे पहले हम सभी लेयर्स को ऑफ कर देंगे, और यहाँ हम चलेंगे HSL में, और हम क्योंकि हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है जो ब्लू कलर है उसको हमें रेड बनाना है। सो आई थिंक इतना ठीक है, सैचुरेशन इतना ठीक है, और लुमिनस इतना ठीक है। सो हम यहाँ से कर देना डन, और यहाँ से हमने एक लेयर को ऑन कर देना है, और चलना है हमने यहाँ से इरेजर पे। तो जो हमने ऊपर ब्लेजर पहना है उसको छोड़ के हमें सभी इरेज कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, और आपको काफ़ी बारीकी से और डिटेलिंग में करना है। सो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। ऐसे ये हो चुका है, फिर से हमने इसी लेयर का डुप्लीकेट करना है जो हमारा ओरिजिनल लेयर है, और इसको जो ऊपर लेयर है उसको हमें टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ से हमें चलना है फिर से HSL में, और जो हमने अंदर का जो हमने बास्केट पहना है उसका कलर मैच करना है येलो कलर से। सो आई थिंक ये होना चाहिए कलर, पहले इतना डन करते हैं, फिर से चलते हैं हम HSL में। एक बार और चलना पड़ेगा हमें HSL में। सो दैट्स लुकिंग गुड, तो हम इसका भी कटआउट निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। वैसे आप देख सकते हैं हमारे कपड़े थोड़े थोड़े जोकर कपड़े से मैच हो रहे हैं। सो इतना हो गया है, अब एक मिनट हैंड इरेज कर लूँ। पहले आपने अपने कपड़ों को कलर ग्रेड कर लेना है, बाद में उसका कटआउट निकालेंगे। सो इतना हो चुका है, और फिर से हम एक और लेयर का डुप्लीकेट लेंगे अपने ओरिजिनल लेयर का, और इसको सबसे ऊपर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम इसका कर देंगे सैचुरेशन कम, और लुमिनस इतना कम हम कर देंगे डन। सिर्फ हमें अपने फेस को छोड़ के बाकी सब इरेज कर देना है। सो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। तो अब हम ड्रॉ करेंगे ये जो मेकअप है, क्योंकि हम तो लगा नहीं सकते, हम बस ड्रॉ ही कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, और यहाँ से हम चलेंगे ब्रश वाले सेक्शन में, और हमने यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, हमने ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है फाउंटेन पेन, और यहाँ से हम चलना है कलर पे, और कलर पिकर पर जाके पहले हम ये आईब्रो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने फेस पे। इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे ओवरले, तो ये आई सब निकल लिया। अब हम चलते हैं नोज पे, नोज का कलर रेड है। सो वे फाइनली हमारा जोकर तो रेडी है, अब हम इसका कटआउट निकाल लेते हैं। तो अगर आपको कटआउट निकालना नहीं आता तो मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ समझेंगे सभी लेयर्स को मर्ज ऑल कर देंगे, ये रहा मर्ज ऑल, मर्ज ऑल। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। तो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन पर आ रहा होगा, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी फ़ोटो का कटआउट निकाल लिया है, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया,
मैंने अपने बाल में भी कलर कर लिए ग्रीन कलर, क्योंकि आपने देखा होगा जोकर के बाल का कलर ग्रीन होता है। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपने यहाँ से एक लेयर क्रिएट करना है और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है ये वाला, और आपने वही ब्रश सेलेक्ट करना है फाउंटेन पेन, और उसका ब्लेंड मोड रखना है मल्टीपल एंड अपने बालों पर ऐसे कलर कर देना है। सो मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे को बताना भूल गया, आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये रहा, मैंने कर दिया वैसे ऑलरेडी, तो इसे मैं लेयर को डिलीट करता हूँ। और मैंने यहाँ अपने जूते भी चेंज किए हैं, तो जो मैंने आपको PNG दी थी डिस्क्रिप्शन में जोकर का, अपने को PNG इम्पोर्ट करना है और बस कुछ नहीं करना है, इसको जूम करके इसका बस कटआउट निकाल लेना है। मैंने इसलिए जूते यूज़ करके, मेरे पास ऐसे ओरिजिनल जो जूते थे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का जो शूज़ यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने इसी का शूज़ ऐसे यूज़ कर लिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, ऐसे बस मर्ज कर दिया था, क्योंकि ये जो जूते मैंने पहने थे काफ़ी ऑकवर्ड से लग रहे थे, और अगर आपके पास हो तो आप पहन सकते हैं, थोड़ा इलास्टिक फील आएगा। सो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये जूते मर्ज हो गए मेरे पैर के साथ। तो इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से, शेयर पे जाके सेव टू डिवाइस। सो अब हम चलते हैं अपने मेन एडिटिंग पे, तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड को इंपोर्ट करते हैं। सो ये रहा बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अपने हम मॉडल PNG को लेके आते हैं यहाँ पे, जो अभी हमने इंपोर्ट किया था। सो वो ये रहा, यहाँ से हम कर देंगे इसको डन, और अपन PNG को ऐड करते हैं जल्दी जल्दी। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in. तो अब बारी है रिम्स बनाने की, क्योंकि पीछे जो फायर आ रहा है उसकी लाइटिंग हमारी बॉडी पे पड़नी चाहिए। तो गाइस मैं जल्दी से रिम्स बना लेता हूँ। मैं इस पर पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ डिटेल में, तो अगर आपको जानना कि रिम्स बना सकते हैं अपने फ़ोटो पे और भी फ़ोन में, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी अपने बॉडी के ऊपर रिम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने रिम्स ड्रॉ कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ गया रिम्स ड्रॉ करने से। गाइस अब हमारी फ़ोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो हाँ एक काम रह गया, शेडो हमने ड्रॉ नहीं किया, तो उसके लिए हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, उसको नीचे करके यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और ब्रश यहाँ से फ्लू एयर ब्रश जस्ट यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे अपनी शेडो। जैसे हमने यहाँ पे शेडो ड्रॉ कर लिया है आप देख सकते हैं, तो हमारी यहाँ फोटो एडिट हो चुकी है। तो उस फोटो को हम सेव करते हैं और चलते हैं लाइट रूम में।